है। अच्छा शेर, एक सवाल मुझे जहन में आ रहा है कि आपने अभी कहा कि इस तूफान के थमने के बाद जब कश्ती एक जगह ठहरी और उसके बाद में तमाम लोग, सारी इंसानियत उस कश्ती से बाहर उतरे और एक नई दुनिया की तामीर हुई। उससे पहले आपने बताया कि इस कश्ती में वही लोग सवार हो सकते हैं जो कामिल ईमान हो, यानी सही अच्छे इंसान और मुसलमान जो होंगे। जो इंसान उसमें सवार थे और जब वापस उतरे उस कश्ती से और एक नई दुनिया बसी, तो सभी लोग अच्छे थे, सभी नेक थे, सभी मुसलमान थे। तो ये कुफ्फार और ये गलत लोग और ये शैतानियत सवार वाले लोग फिर उनकी नस्लों में से कैसे पैदा हो गए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि खुद आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, दुनिया में आए, सारे लोग 10 नस्लों तक 10 पीढ़ियों तक या 10 जिसको कहेंगे सदियों तक, 1000 साल तक ईमान वाले रहे। लेकिन शैतान, जैसा उसने वहाँ काम किया, सेम नूह अलैहिस्सलाम बचे, कश्ती बची, लोग उतरे, ईमान वाले थे, एक ज़माना गुजरा, एक लंबा अरसा गुज़रा, लोग ईमान पर रहे, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम का वाक़ा उनके जहन व दिमाग में ताज़ा था, उनके आबा अजदाद बताते थे इन वाक़ात को, ऐसा सा हुआ, अल्लाह ने उनको महफूज रखा। और आद के ताल्लुक से तो ख़ास तौर से जो वो लोग थे जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती से बचे थे, तो आद जो कौम थी, हूद अलैहिस्सलाम जिनकी तरफ भेजे गए थे। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं शैतान, चूँकि शैतान तो खुला था ना, शैतान ने फिर क्या किया, लोगों को उसी रास्ते पर चलाया जो इससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की बात के लोगों के साथ किया था। अच्छा, आगे की नस्लों के लिए वो गुजरी दास्तान, फिर उसने वही गुजरी दास्तान हो गई, लोग भूल गए क्या था क्या नहीं, और उसके बाद फिर वही गुनाह और वो सारी सरकशी, और फिर दुनिया में शिर्क और कुफ्र फिर से आ गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना सिलसिला नबूवत का चालू रखा, किताबों का चालू रखा, हिदायत का चालू रखा, ताकि हम लोगों को अंबिया आते रहे, हिदायत पहुँचाते रहे। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अब कोई नबी आने वाला नहीं, याद रखें, ये बात भी हमारे जहन में वाज़ेह होना चाहिए।